भाई मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अब ये बात समझ आ चुकी है पिछले कई सालों से कि जब भी मेरी फ्लाइट होती है, कहीं टूर होता है या मुझे कहीं जाना हो, इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या कोई भी इम्पोर्टेंट डे हो नेक्स्ट डे, तो मुझे पता है कि मैं उस दिन ऐसा बिजी रहूँगा कि मेरी नींद उड़ेगी और मैं नींद से बेहाल हो रहा हूँ अभी भी। तो ऐसे ही है, अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटेड ट्रिप पे और काफ़ी टाइम से वेकेशन पेंडिंग थी, तो अभी फाइनली टाइम आ गया है कि हम वेकेशंस पे जाएं। और ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं सारे मेरे कपड़े वगैरह, अभी पैकिंग करूँगा। टाइम हो रहा है, आपको दिखाता हूँ, 11:45 बज रहे हैं, तो खामोशी के साथ मैं पैकिंग में लगा हुआ हूँ। पैकिंग करते हैं और कुछ गैजेट्स हैं वो लोड करने हैं, उनकी अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं हुई, खोले भी नहीं है, वो सब ट्रिप में ही खुलेंगे या जब भी खुलेंगे मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। पैकिंग होती है, फिर थोड़ी सी नींद नसीब वो अलग है, सुबह फिर कुछ काम है और फिर भागना है एयरपोर्ट। तो आप भी आ जाएं हमारे साथ ही चलें। अस्सलामुअलैकुम जी, हम पहुंच गए हैं बिलाखिर इस्तांबुल में। गर्मी बहुत है और अभी बैगेज क्लेम देखना है कहाँ पे है। यहाँ पे है 4 नंबर और तीन नंबर है, तो चल के देखते हैं। मतलब बच्चों के साथ रियलिटी एक्सपेक्टेड, बच्चों के साथ जो सफ़र है ना वो उर्दू वाला सफ़र होता है, ये वो लोग समझेंगे जिनके बच्चे हैं। हम उधर से वो सामान ले रहे हैं अपना, मतलब जो सामान ले रहे हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं टर्की और ये एक मॉस्क है बड़ी खूबसूरत सी। रास्ते में ये कुछ जगह आ रही है तो हम थोड़ा थोड़ा कैप कर। ये ब्रिज है, हाँ ये है वो ब्रिज। हम एशिया साइड से थे, एयरपोर्ट से अब हम जा रहे हैं यूरोप साइड पे। तो ये है ब्रिज, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन कैमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ यूरोप। यस।